रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ इन बहुत प्यारे प्यारे गुलाब के फ्लावर के साथ, बहुत प्यारे प्यारे जो हैं फ्लावर खिल रहे हैं। ये देखें, डहलिया भी काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं और गुलदाउदी हर कलर में। ये देखें, अरूज पे है, चाहे वाइट है, चाहे पिंक है, पीच है, येलो है, बहुत प्यारी प्यारी जो है मेरे गार्डन में गुलदाउदी खिल रही है। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो कोलियस पे है। कोलियस मेरी ये गार्डन में बहुत ज़्यादा कटिंग से मैंने इसको ग्रो किया है, बहुत प्यारा ग्रो हो रहा है। तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे आई। एक तो सबसे पहले ये जो है, मैं इसकी पिंचिंग का ख्याल रखती हूँ कि टाइम टू टाइम आके इनको पिंच करती रहती हूँ। जब ये पिंच करेंगे तो एक यहाँ से दो शाखें निकलेंगी और ये मेरा प्लांट जो है यहाँ से दो शाखें निकलेंगी और हैवी हो जाएगा। एक तो आप इसको पिंचिंग का ख्याल रखें, दूसरा ये है कि आप अपने कोलियस के जितने भी प्लांट हैं इनको किसी बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे लगा दें। मैंने अपने जितने भी, जैसे रात की रानी है और इसके अलावा मेरा गुलड़ का प्लांट है उसके नीचे, तो मैंने इस तरह कोहरे से बचाने के लिए अपने जितने भी कोलियस थे इस तरह लगा दिए। यहाँ पर ये देखें, ये देखें इस तरफ, ये देखें गुलाब के छोटे छोटे अभी प्लांट हैं लेकिन मैंने इनके नीचे भी कोलियस यहाँ पे लगा दिया है। ये देखें कितनी अच्छी ग्रोथ भी चल रही है और माशाल्लाह से कितनी कलरिंग भी है। अब यहाँ पर ये जो है कोलियस, ये सेव रह पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा कोरा पड़ेगा जिससे ये कोलियस के जितने भी प्लांट हैं डैमेज हो जाएंगे। और मैंने इनको सेव करने के लिए ये देखें, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ब्राइट लाइट भी आती है लेकिन ऊपर ये देखें प्लांट हैं गुलाब के बड़े बड़े, और कुछ ये प्लांट हैं। ये देखें मेरा बहुत ही प्यारा सा प्लांट, इसके नीचे मैंने ये देखें कोलियस लगा दिया। बड़े बड़े प्लांट्स हैं, इन सब के नीचे ये देखें मैंने कोलियस की कितनी मज़ीद और आगे से आगे कटिंग्स लगा दी हैं इनको नेक्स्ट सेव करने के लिए। तो देखें अब इन सब की अब मैंने पिंचिंग भी करनी है इंशाल्लाह, आज मैं इनकी पिंचिंग भी करूँगी। और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो जल्द से जल्द जो है मैं अब इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगी शॉपर्स में, और फिर मैं ऐसी जगह पे रख दूँगी जहाँ पर कोरा जो है इन पे ना पड़े। कोरा पड़ने से ये प्लांट बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है और बहुत ज़्यादा जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तब ये प्लांट डैमेज होता है, वरना ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा और बहुत खूबसूरती ऐड करता है। ये देखिए मैंने इसकी पिंचिंग की थी तो अब यहाँ से चार ब्रांचें इसकी बन गई। अब जब दोबारा मैं इसकी यहाँ से पिंचिंग करूँगी तो ये इसकी और आठ जो हैं वो ब्रांचें बन जाएंगी। तो इस तरह एक तो आप इसकी पिंचिंग का ख्याल कर रखे हैं, दूसरा ये है कि अब ये जो हैं प्लांट इनको जल्द से जल्द किसी सायादार जगह पे ट्रांसफ़र कर दें। जैसे ये मेरा प्लांट है, ये भी जो है जितना भी मैंने ये ग्रो किया था सब में अब ये सीड बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसको भी मैंने इसी तरह जो है कटिंग लगा दी है यहाँ पर। ये देखें बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे, मैं कहाँ से लूँगी। यहाँ पे मैंने ये कड़ा सा खोद के इसमें मैं अपने जितने भी लीव थे वो गिराती रहती हूँ टाइम टू टाइम, और जब एक साइड से डीकम्पोज हो जाते हैं तो वहाँ से फिर नीचे से मैं मिट्टी जो है मैं निकाल लेती हूँ। कभी इस साइड से निकाल लेती हूँ, कुछ अर्से के बाद उस साइड से निकाल लूँगी। और ये जो है प्रोसीजर है, तकरीबन 6-7 माह के बाद मैंने अभी यहाँ से जो है वो मिट्टी निकालनी है। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखें कितनी अच्छी मिट्टी जल चुकी है, बन चुकी है बिल्कुल। इसमें नट्स भी हैं, देखें एग शेल्स भी हैं, कितनी अच्छी जो है ये मिट्टी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। ये देखें मोटी मोटी लकड़ियाँ भी थी यहाँ पर, ये देखें सब जो है कितनी प्यारी सी ये जो है मेरी कंपोस्ट रेडी है। ये देखिए मैंने हॉल बनाया हुआ था, ये मेरी सॉइल के है किनारी, और यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी थी ये कंपोस्ट मेरी रेडी हो चुकी है। तो इस तरह के जितने भी शॉपर्स थे वो भी मैं सेव करके रखती हूँ, देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो चले अब ये जो मिट्टी है मैं इस शॉपर में भरती हूँ, और इसमें इस तरह के 3-4 मेरे पास प्लांट्स थे शॉपर्स थे उनमें कोलियस लगाते हैं। यहाँ से जितने भी मेरे घर के लीव से ही मुझे इस तरह मिट्टी भी मिल जाती है, और इसके अलावा ये बहुत ही जो है फर्टिलाइज मिट्टी भी होती है। और यहाँ पर मैंने कुछ जो है गमलों की मिट्टी जो है निकाल के वो ड्राई की हुई है, वो थोड़ी थोड़ी जो है इनके ऊपर डाल देंगे। तो ये मैंने पैकेट जो हैं ये 3-4 तैयार करके रख दिए हैं। ये देखिए
ये जो है मिट्टी मैं डाल के लेके आई हूँ। ये देखिए ये ब्लैक मिट्टी है। तो अब मैं तीन चार जो हैं प्लांट कोलियस के लेके आती हूँ, उनमें लगाते हैं, और ऊपर से अगर थोड़ी सी ज़रूरत हुई तो ये जो है ये मिट्टी मैं इस यूज़ करूँगी, क्योंकि ये देखिए कितनी भुरभुरी है। ये भी मैंने पॉट से निकाली है और निकाल के इसी तरह मैंने तोड़े में डाल दी थी और वो अच्छी खासी जो है वो ड्राई हो चुकी है। तो मिट्टी जब भी यूज़ करें, अक्सर व्यूवर्स अब मुझसे अब यही क्वेश्चन करते हैं कि हमारे प्लांट्स मर जाते हैं तो क्या रीज़न है। रीज़न यही है कि आप मिट्टी जो है वो बड़ी हार्ड तैयार करते हैं। जितनी सॉफ्ट मिट्टी होगी जड़ों को उतनी ज़्यादा फैलने में आसानी होगी और वो प्लांट जो है आपको अच्छा रिस्पांस देगा। बस मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल, जो पहला पॉइंट है वो मिट्टी का रखें। तो चलिए अब मैं कोलियस का प्लांट लेके आती हूँ। ये वाला एक प्लांट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अब यहाँ पर मैंने कुछ और कटिंग्स लगानी हैं। यहाँ पर भी ये प्लांट काफ़ी हैवी और बड़ा हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ और कहीं ना कहीं से इसी तरह एक आध प्लांट ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्लांट हैं, तो कोई प्लांट ले लेते हैं और ज़्यादा फिर इनकी जगह पे हम इनकी कटिंग लगा देंगे। तो ये देखिए मैं जो है चार प्लांट ले आई हूँ, हेल्थी हैं, थोड़ी सी इनकी पिंचिंग वगैरह करेंगे और इनको ग्रो करेंगे और फिर इनको हम इस तरह शेडी एरिया में रख देंगे। जैसे मैंने कल ये ट्रांसफ़र किया था, इसके अलावा मैंने कटिंग जितनी भी पिंचिंग की थी इन सब की, ये देखिए मैंने कटिंग्स ग्रो कर दी हैं। इनके लीव्स जो हैं वो काट दिए थे, ये देखिए। तो चलें ये जो है सिलेक्ट करते हैं कोई एक, बस ये देखिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है, बाकी अब इसमें प्लांट लगा के तो फिर मिट्टी डालेंगे। ये वाला जो है ये सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने चार पैकेट तैयार कर लिए हैं, घर ही की मिट्टी से प्लांट्स को ट्रांसफ़र कर लिया है। तो बस यही है कि आप जल्द से जल्द इनको ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र कर दें जहां पर इन पर कोरा ना पड़ सके, ठंड से बचाएं। तो इंशाल्लाह फिर ये 15 फरवरी के बाद तकरीबन ये जो हैं स्टेबल हो जाएंगे, तो फिर हम इनको दोबारा ज़मीन में शिफ्ट कर देंगे, बड़े बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर देंगे, तो फिर ये हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे जो हैं चल जाएंगे। तो बस ये थोड़ी सी केयर आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा आपने जो हैं बहुत प्यारे प्यारे से कोलियस के प्लांट्स जगह जगह मैंने ग्रो किए हुए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करने थे। मैंने बहुत प्यारी सी टोपारी तैयार की थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस पर आएगी, बहुत प्यारी लग रही है। तो चलें अब मैं इन पर पानी भी अप्लाई करती हूँ और इनकी पिंचिंग भी कर देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बस अब इनका यही ख्याल रखना है कि इनकी पिंचिंग जो है वो करते रहें। पिंचिंग से हमारा प्लांट जो है इस कदर बुशी और हेल्थी आएगा। अल्लाह हाफिज़।